हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए मैं हेडिंग बना लेता हूँ, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले सवाल ये उठता है कि हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्या पड़ गई। हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा है, तो फिर थ्री फेज ट्रांसफार्मर की क्या ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरेशन होता है वो जनरली थ्री फेज के फॉर्म में होता है, जो कि 11 किलो वोल्ट होता है या 22 किलो वोल्ट, इस तरीके से जनरेशन इतने वोल्ट में किया जाता है। फिर उसे जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो फिर उसे फर्दर स्टेप अप किया जाता है 420 किलो वोल्ट पे, 620 किलो वोल्ट पे, इस तरीके से, और उसका वोल्टेज लेवल बढ़ाया जाता है ताकि लॉसेज जो है वो कम से कम हो। फिर जब कंज्यूमर को देने की ज़रूरत होती है तो हम उसके वोल्टेज लेवल को डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, इस तरीके से हम वोल्टेज लेवल रखते हैं कंज्यूमर एंड पे। तो इन सारे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि वोल्टेज के लेवल को अप किया जा रहा है और वोल्टेज के लेवल को डाउन किया जा रहा है। और चूंकि ये थ्री फेज है तो हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लो, तीन अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और उसका कनेक्शन करो, और कनेक्शन करके आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हो। इस तरीके से बने गए ट्रांसफार्मर को हम थ्री फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो पहला तरीका मैं लिख लेता हूँ। पहला तरीका है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि वी कैन मेक थ्री फेज ट्रांसफार्मर इन टू वे, दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका, थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर सुटेबली कनेक्टेड फॉर थ्री फेज ऑपरेशन, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ थ्री फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। तीन सिंगल फेज आपको ट्रांसफार्मर लेने हैं और उसका सुटेबली कनेक्शन कर देना। कनेक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि कनेक्शन कैसे करते हैं, तो कनेक्शन कर देंगे और उस तरीके से हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल थ्री फेज ट्रांसफार्मर के तौर पे कर सकते हैं। तो इस तरीके का ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे थ्री फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप तीनों फेज के वाइंडिंग और कोर को कंबाइन करो और एक सिंगल स्ट्रक्चर तैयार करो, जो तीन आपके ट्रांसफार्मर हैं उसके तीनों फेज के वाइंडिंग्स को और तीनों का जो कोर होगा उसे हम कंबाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे, और मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो वो एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर तैयार होगा, वो कहलाएगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। और यही मेथड हम जनरली इस्तेमाल भी करते हैं, और इसी मेथड से बना ट्रांसफार्मर जो है हमारे घर के आसपास में लगा हुआ रहता है। तो दोनों तरीका हमने देख लिया है, अब हम जो है दूसरा वाला तरीका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा तरीका लिख लिया है, अ सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर इन विच द कोर्स एंड वाइंडिंग्स फॉर द ऑल द थ्री फेजेस आर कंबाइंड इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो बनेगा उसे हम यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसे हम थ्री फेज, पहले वाले को थ्री फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसे हम यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, दूसरे तरीके से जो बनेगा। अब चूंकि ये यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए हम इसका नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका नाम हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही, जनरली थ्री फेज ट्रांसफार्मर के नाम से ही ये जाना जाता है। तो अब हम बारी बारी से दोनों तरीके से बने ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग बना लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर। यूनिट ट्रांसफार्मर यानी इस ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तीनों को कंबाइन करके। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसमें कि हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, तीनों ट्रांसफार्मर, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जो कोर्स होंगे
और उसके जो वाइंडिंग्स होंगे तीनों को हमने मर्ज कर दिया है, एक जगह कर दिया है, तो हम कंबाइन कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या लेगा, कम से कम स्पेस लेगा। तो सबसे पहला एडवांटेज है, इट टेक्स लेस स्पेस। सेकेंड पॉइंट, चूंकि कोर्स को हमने कंबाइन कर दिया है, वाइंडिंग्स को हमने कंबाइन कर दिया है, तो उसका साइज भी छोटा हो जाएगा। कोर हमने कंबाइन किया है तो जो कोर में मटेरियल लगने वाला था उसका जो कॉस्ट आएगा वो खत्म हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला ट्रांसफार्मर सस्ता होगा, चीप होगा। कोर और वाइंडिंग को हमने कंबाइन कर दिया है तो उसका जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसका ये एडवांटेज भी हम मेंशन कर लेते हैं, इट इज लाइटर इन वेट, लाइटर, स्मॉलर एंड चीपर, सस्ता। तीसरी बात, चूंकि हमने कोर्स और वाइंडिंग को मर्ज कर दिया है तो कोर्स में जो लॉस होते हैं यानी कि ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस वो भी कम हो जाएंगे। वाइंडिंग्स को हमने मर्ज किया है तो वाइंडिंग की वजह से जो कॉपर लॉस होता है वो भी कम हो जाएगा, तो लॉसेस कम होंगे तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, इट इज स्लाइटली मोर इफिशियंट अब फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते, देखिए जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हो गया एक ट्रांसफार्मर, ये इसके प्राइमरी वाइंडिंग्स और ये इसके सेकेंडरी वाइंडिंग्स, दो टर्मिनल आउट हुए, एक दो, ये इसके इनपुट टर्मिनल्स एक दो। अगर हम तीन ट्रांसफार्मर अगर हम लगाते तो हमें जो आउटपुट में टर्मिनल चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, एक में दो टर्मिनल चाहिए, तो हम ऐसा ऐसा तीन टर्मिनल लगा रहे हैं तो टोटल आउटपुट टर्मिनल्स कितने हो जाएंगे, छः। अब आउटपुट टर्मिनल जो होता है वो काफी कॉस्टली होता है, तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर करके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं तो इसमें, इस सिंगल यूनिट में आउटपुट टर्मिनल्स कितने होंगे, तीन फेज है तो तीनों के लिए एक एक यूनिट, एक दो तीन, थ्री फेज है तो तीन टर्मिनल्स ही होंगे। लेकिन अगर हम थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हैं तो हमें आउटपुट टर्मिनल्स कितने चाहिए होते, छः। तो छः टर्मिनल्स की जगह पे हमें तीन ही टर्मिनल्स लगाने होते हैं थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर में, तो ये भी एक एडवांटेजेस है, तो हम इसे मेंशन कर लेते हैं, द कॉस्टली टर्मिनल्स टू बी ब्राउट आउट ऑफ आर ट्रांसफार्मर आर रिड्यूस्ड टू थ्री रैदर देन सिक्स नेसेसरी फोर थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यानी कि हमें जो छह टर्मिनल चाहिए होते कॉस्टली, उसके जगह पे हमारा तीन टर्मिनल से ही काम चल जाएगा इस यूनिट ट्रांसफार्मर में, तो ये एडवांटेजेस हैं। अब हम एक और एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर के साथ, जब हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के साथ हमें बस बार लगाना होता है, स्विच गियर लगाना होता है, उसकी वायरिंग करनी होती है, तो
जो थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ जो बस बार लगाने होते हैं या उसके साथ जो स्विच गियर लगाने होते हैं वो सब सिंपल होते हैं कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जब हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करेंगे तो उसका बस बार ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये एक एडवांटेजेस है, तो इसे हम मेंशन कर लेते हैं, बस बार स्ट्रक्चर, स्विच गियर एंड वायरिंग फॉर अ सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर यानी कि यूनिट ट्रांसफार्मर आर सिंपलर देन दोज फॉर अ ट्रांसफार्मर बैंक। ये हो गया आपका एक और एडवांटेजेस कि थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर के लिए जो हम बस बार होता है, हमारा जो स्विच गियर होता है वो सारा सारा सिंपल होता है। लेकिन अगर हम यूनिट ट्रांसफर थ्री सेपरेट ट्रांसफार्मर की बात करें यानी ट्रांसफार्मर बैंक के लिए, तो उन सब के कॉस्ट केस में आपका जो बस बार होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अब इस यूनिट ट्रांसफार्मर का एक डिसएडवांटेजेस भी होता है। वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जो तीन फेज होते हैं, आगे अगर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, तीन फेज जो होते हैं तो तीनों फेज में से अगर कोई भी एक वाइंडिंग टूट गया या खराब हो गया किसी भी कारणवश, तो आपको पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर निकालना होगा और निकाल करके उसको सर्विस रिपेयर के लिए देना होगा, और तब तक के लिए आपका पावर सप्लाई जो वो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें बैंक में क्या है कि तीन सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, तीनों में से कोई भी एक अगर खराब हो गया तो उसे आप लो रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे दो ट्रांसफार्मर को भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे उसका कनेक्शन आपको चेंज करना होगा लेकिन वो चल सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि इसमें किसी भी एक वाइंडिंग का अगर आप खराब हो गया, आपका तीनों ट्रांसफार्मर में से तीनों थ्री फेज में से कोई भी एक वाइंडिंग अगर खराब हो गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो इसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, इन अ सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर इफ वन ऑफ द फेज वाइंडिंग ब्रेक्स डाउन द होल ट्रांसफार्मर हैज टू बी रिमूव फ्रॉम सर्विस फॉर रिपेयर देयर बाय डिस्टर्बिंग द कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई। तो ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर का। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर बैंक की। तो हम हेडिंग बना लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर बैंक। थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर बैंक की बात करेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर बैंक का सबसे बड़ा जो खासियत है, एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको किसी इम्बैलेंस लोड को सप्लाई देना है, बैलेंस लोड और इम्बैलेंस लोड क्या है ये हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जब हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ये समझिए कि आपका जो लोड होगा, जो वोल्टेज होगा तीनों फेज का, वो इक्वल नहीं होगा। अगर किसी में 220 वोल्ट आ रहा है, किसी में 220 वोल्ट आ रहा है, तो तीनों के तीनों फेज में 220 वोल्ट आएगा। इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड लोड। लेकिन इम्बैलेंस में क्या होगा कि किसी भी फेज में जो है
अलग अलग वोल्टेज हो सकता है। किसी दो में अगर 220 आ रहा है तो तीसरे में 440 आ रहा है, तो ये इम्बैलेंस कंडीशन हो गया, बैलेंस नहीं है तीनों का। तो ऐसे लोड को अगर आपको सप्लाई देना है तो इस ट्रांसफार्मर से देने में हमें प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम आती है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पढ़ेंगे तब। लेकिन अगर इम्बैलेंस लोड को अगर आपको इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई देना है तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि किसी एक ट्रांसफार्मर का हम रेटिंग जो है वो बढ़ा देते हैं। जैसे दो ट्रांसफार्मर, जैसे आपको इम्बैलेंस कंडीशन में दो फेज का 220 वोल्ट है और तीसरे का जो वोल्ट है वो 440 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रांसफार्मर लेंगे जिसका के दो का सेम रेटिंग है, तीसरे का जो रेटिंग है वो हाई है। तो इस तरीके से हम इम्बैलेंस कंडीशन वाले लोड को भी हम पावर सप्लाई दे सकते हैं इस ट्रांसफार्मर बैंक के जरिए। तो ये एक एडवांटेज है कि हम इम्बैलेंस लोड को भी सप्लाई दे सकते हैं। तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखिए, इस एडवांटेजेस को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। वन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन अ बैंक मे बी प्रोवाइडेड विद हायर केवी रेटिंग देन द अदर्स टू सप्लाई एन इम्बैलेंस लोड। अब हम बात करेंगे दूसरे एडवांटेज की। तो दूसरा एडवांटेज, जब मैं यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक फेज अगर ख़राब हो जाता है तो हम किसी दो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे कर सकते हैं, आपका थ्री फेज का जो सप्लाई का कंटिन्यूटी है वो जारी रहेगा। तो ये दूसरा एडवांटेजेस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। When one single phase transformer of a bank is damaged, the remaining two units may be used at reduced capacity. अब हम बात करेंगे तीसरे एडवांटेजेस की। तो तीसरे एडवांटेज को समझिए कि जैसे हमने मान लिया कि ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया या फिर हम यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर रखते हैं, ताकि अगर ख़राब हो गया ट्रांसफार्मर, ये वाला चाहे वो वाला ख़राब हो गया, तो हम रिप्लेस करके दूसरा लगा देंगे जल्दी से और आपका जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगा, सप्लाई की कंटिन्यूटी। तो अगर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, तो उसमें आपको एक सेपरेट यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर आपको रखना पड़ेगा, है ना। थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है और एक एक्स्ट्रा आपको थ्री फेज यूनिट ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा। जब ये ख़राब होगा तो आप इससे उठा के लगा देंगे और सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर वो काफ़ी महंगा होगा, है ना। जितना बड़ा, जितना इसका कॉस्ट आ रहा है उतना ही कॉस्ट इसका भी आएगा। लेकिन अगर हम बैंक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, तो इसमें तीन ट्रांसफार्मर लगा होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें से कोई भी एक ख़राब हुआ तो हम एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर निकाल के दूसरा वाला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसे हम लगा देंगे। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो काफ़ी सस्ता होगा इन कंपैरिजन विद थ्री सिंगल यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें ये चीज़ जो है सस्ता पड़ता है एक्स्ट्रा जहाँ पे आपको लगाना है। तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ। दस स्टैंड बाय रिक्रूटमेंट, रिक्वायरमेंट इज लेसर, यानी आपका सस्ते में काम हो जाएगा स्टैंड बाय वाला। अब हम चलते हैं चौथे एडवांटेज की तरफ। अगर आपको यूनिट थ्री फेज ट्रांसफार्मर को कैरी करना है तो काफ़ी साइज में बड़ा होगा, लेकिन आप एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कैरी कर रहे हो तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वो कैरी करने में ट्रांसपोर्ट पे ले जाने के लिए आसान होगा। तो ये चौथा एडवांटेज है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर is more convenient
ये एडवांटेजेस हैं इसके। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इसके काफ़ी हैं जिसकी वजह से हम ये सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो जाएंगे, तो हम जानते हैं कि हम इसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसा जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा है, पहले वाले 3 फेज यूनिट ट्रांसफार्मर में इसका जस्ट उल्टा कर देना है डिसएडवांटेजेस के लिए, इसके डिसएडवांटेजेस के लिए इसके एडवांटेज का जस्ट उल्टा कर देना है। तो इसका स्पेस कम है तो उसका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, ये हल्का होगा वो भारी होगा, ये साइज़ में छोटा है यूनिट ट्रांसफार्मर, तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर साइज़ में बड़ा हो जाएगा, काफ़ी कॉस्टली भी होगा। और चूंकि इसमें तीनों का अलग अलग कोर है, तीनों का अलग अलग वाइंडिंग है, तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है, इसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिट 3 फेज ट्रांसफार्मर का। तो ये आपने कंपैरिजन देख लिया। अब हम बात करेंगे कि 3 फेज जो यूनिट ट्रांसफार्मर है उसे हम बनाएंगे कैसे। तो हम हेडिंग बना लेते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। तो ये है 3 फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। अब जैसा हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप। तो सिमिलरली यहाँ भी 3 फेज ट्रांसफार्मर के 2 टाइप होंगे, एक होगा कोर और एक होगा आपका सेल टाइप। तो हम कोर टाइप की अगर बात करें तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेंगे और तीनों ट्रांसफार्मर को 120 डिग्री के एंगल पे प्लेस्ड कर देंगे। तो उसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से हमने 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर को 120 डिग्री के एंगल पे, ये जो एंगल है इन 2 ट्रांसफार्मर के बीच का ये 120 डिग्री का है, इन दोनों के बीच भी एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का है, इन दोनों के बीच के एंगल का भी 120 डिग्री, तीनों ट्रांसफार्मर को 120 डिग्री के एंगल पे हमने प्लेस कर देंगे। अब इसके ऊपर जो है, इसके कोर के ऊपर हमें वाइंडिंग करना है। तो वाइंडिंग करने का तरीका ये है कि आप इस कोर के ऊपर इंसुलेशन लगाएंगे और इंसुलेशन लगाने के बाद आप इस पे लो वोल्टेज वाइंडिंग कर देंगे। ये हो गया आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग। फिर इसी लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर आपको इंसुलेशन लगाने के बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग कर देना है। ये हो गया आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग। कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच भी इंसुलेशन होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच भी इंसुलेशन होगा। तो इस तरीके से हम तीनों के तीनों कोर पे वाइंडिंग कर देंगे। तो यहां पे हमने तीनों कोर पे, तीनों जो बाहर वाले कोर हैं उस पे हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग भी कर दी और हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कर दी। ये जो कोर है, इस ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी कोर, इस ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी कोर और इस ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी कोर, इस पे भी हम वाइंडिंग करते हैं जैसा हमने इस पे किया है। जब हम वाइंडिंग इस पे करते हैं तो हम जानते हैं कि ये तो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो इसका करंट मान लेते हैं IR, इसका करंट मान लेते हैं IY और इसका करंट मान लेते हैं IB। तो किसी भी 3 फेज ट्रांसफार्मर में अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, कोई भी 3 फेज अगर करंट है, तो उन तीनों का सम जो होता है वो होता है 0। तो यहाँ पे जो हमने वाइंडिंग की है इस सेंट्रल लिंब पे, यहाँ पे, तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, तो इस करंट की वजह से मान लेते हैं हम फ्लक्स होगा IR, इस करंट की वजह से मान लेते हैं फ्लक्स होगा IY और इस फ्लक्स करंट की वजह से फ्लक्स है आपका IB। तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, 0। अब चूंकि इस कोर में कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो फिर ट्रांसफार्मर के अंदर इसका क्या काम है।
कोई काम नहीं है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इस कोर को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका जो फिगर है वो इस तरीके का बन जाएगा। जब हम इसे बीच वाले कोर को एलिमिनेट करेंगे तो इस तरीके का फिगर बनेगा। अब हम करेंगे क्या कि ये जो खाली जगह है इसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे? ये जो कोर है इसे हम सेंटर में ले आएंगे। तो फिगर आपका कुछ इस तरीके का फिर दिखने लगेगा। तो जब इस कोर को हम यहाँ सेंटर में लाएंगे तो आपका जो फिगर होगा वो किस इस तरीके का दिखेगा। इसके तीनों तीन लेग हो गए, लेग ए, लेग बी, लेग सी। ये तीन लेग हैं और तीनों पे हमने वाइंडिंग की है। कोर के ऊपर इंसुलेशन लगा के लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन लगा के हाई वोल्टेज वाइंडिंग। सिमिलरली लेग बी के लिए भी, लेग सी के लिए भी। तो इस तरीके से हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाएंगे कोर टाइप का। इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हम कई चार तरीके से करते हैं, और भी कई तरीके से करते हैं, वो कनेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाना हम सीख गए हैं। अब हम बात करेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर की। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम तीन सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर लेंगे और तीनों ट्रांसफार्मर को एक दूसरे के पीछे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ये पहला, ये दूसरा और फिर इसके पीछे तीसरा। इस तरीके से हम तीनों सेल टाइप ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। तो अगर मैं फिगर से दिखाना चाहूँ तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमने तीन सेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। ये जो फिगर है ये मैंने ऐसे रखा होगा, जैसे ये रखा पहला ट्रांसफार्मर तो ये दूसरा और ये तीसरा। तो पेपर पे इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने दिखाया है। तीनों ट्रांसफार्मर एक दूसरे के पीछे, ये ब्लू ऊपर, फिर ग्रीन पीछे और ब्लैक उसके पीछे। तो ये तीन ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि हम ये जो सेंटर लिंब है इस पे हम वाइंडिंग करते हैं। तो इस पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम इस पे वाइंडिंग करेंगे। अगेन लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के ऊपर इंसुलेशन लगा के, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन लगा के हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं वाइंडिंग कर देता हूँ। ये जो वाइंडिंग हम करेंगे, जैसा वाइंडिंग इसमें करेंगे वैसा ही वाइंडिंग इसमें भी करेंगे। ये करंट का डायरेक्शन है तो इसमें भी करंट का डायरेक्शन ऐसा, लेकिन सेंटर वाले लिंब पे जो हम वाइंडिंग करने वाले हैं उसमें करंट का डायरेक्शन कुछ और होगा, यानी इसके जस्ट अपोजिट। ये करंट का डायरेक्शन जैसा इसमें है वैसा ही इसमें और बीच वाले में अपोजिट। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है अगर हम तीनों में एक जैसा वाइंडिंग कर दें। तो इसके पीछे पूरा डेरिवेशन है, वो डिप्लोमा लेवल पे हमें नहीं देखना है। तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि बीच वाले वाइंडिंग पे ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग हम करेंगे उसका वो उल्टा होगा बाकी के दो के, ठीक है? तो यहाँ पे उल्टा वाइंडिंग हम कर देंगे। और फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये इतना कोर और ये इतना कोर, ये दो दो बार इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी ये इतना कोर और ये इतना कोर दो दो बार इस्तेमाल हो रहा है। तो हम आयरन को सेव करने के लिए इन दोनों का जो कोर है वो कॉमन कर देते हैं, यानी कि इसका जो कोर होगा वो कोर कॉमन होगा इसके लिए भी, इसका जो कोर होगा वो कोर कॉमन होगा इसके लिए भी, दोनों का कॉमन कोर होगा। तो आयरन थोड़ा हमारा सेव हो जाता है। तो इस तरीके से हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाते हैं। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि चाहे वो कोर हो चाहे वो सेल हो, तो हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो है वाइंडिंग का कनेक्शन इसका इस ट्रांसफार्मर का इस ट्रांसफार्मर के साथ, इस ट्रांसफार्मर का इस ट्रांसफार्मर के साथ कैसे हम कनेक्शन करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।